अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस्तांबुल अहमद हियर अगेन। वेल गाइस, ये हम लोग बहुत टाइम के बाद, कोई शायद 1.5 साल के बाद हम ये इन्वर्टर का एक इन्वर्टर लेकर आए हैं लगाने के लिए। नाइट्रॉक्स हाइब्रिड 5 किलोवाट SP5G इसका मॉडल है। ग्रॉस वेट नेट वेट इसमें मेंशन नहीं है, होना चाहिए। आ जाने मिला भाई, नहीं बस उतार के। इसके साथ यूज़र मैंने लाया, एक सेकंड रुकना, ये डब्बा निकालना, डब्बे में क्या है। इसके साथ ये यूज़र मैंने लाया है, वारंटी कार्ड है, 5 साल की वारंटी है। अच्छा, इसके साथ ये वाईफाई राउटर साथ में आए। अब ये कम्प्लीमेंट्री है या फिर इन्होंने चार्ज किया वगैरह, हमें ये अच्छा। इसके साथ और देखो क्या सामान है। इसके साथ लैन की केबल आई है एक छोटी, फिक्स करने के लिए कनेक्टर है। ये कनेक्टर्स आए हैं, ये डावल बोल्ट्स आए हैं, और साथ में दो पेयर आए हैं MC4 कनेक्टर्स के। और एक सीटी भी आई है, 100 एम्पीयर 50 mA। ये सीटी आई है, दो MC4 पेयर आए हैं और चार इसके रावल बोल्ट आए हैं। कंट्रोलिंग केबल आई है, उसमें एक एल की भी है और एक लैन की केबल आई है कनेक्शन के लिए। इसको हम कनेक्शन भी चेक करते हैं कि कहाँ पर कनेक्शन होने हैं। फाइव किलो वाट SP5G हाइब्रिड इन्वरक्स। वेल, ये इसकी अप साइड है, ये इसकी बैक साइड है, और नेचुरल कूलिंग के लिए इसमें अच्छा इन्होंने किया है। रखो नीचे, रखो इसको उल्टा करना भाई, ठीक हो गया। अच्छा, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है जो इस पर लिखी हुई है। मॉडल नंबर नाइट्रॉक्स हाइब्रिड 5 किलोवाट SP5G। अच्छा, इंक्लूडर IP65 रेटेड है। एम्बियंट टेम्परेचर -25 से +60°C, विच इज़ गुड। बैटरी वोल्टेज 40 वोल्ट से लेकर 60 वोल्ट तक। बैटरी करंट 120 एम्पीयर DC मैक्सिमम, ठीक है। AC इनपुट वोल्टेज 230, 180 वोल्ट से 265 वोल्ट तक। AC फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स, 47 से 52 हर्ट्स, ताकि ग्रिड ये जनरेटर को भी जनरेटर से भी ले सके, अच्छा किया है। AC इनपुट रेटेड 21.7 एम्पीयर AC मैक्सिमम। AC इनपुट करंट 25 एम्पीयर मैक्सिमम। मैक्सिमम AC इनपुट पावर 5.5 किलोवाट 5500 वॉट्स। PV इनपुट वोल्टेज 370 वोल्ट DC 100 से
500 वोल्ट डीसी इसकी मैक्सिमम है, 500 एमपीपी इनपुट रेंज इसकी 125 वोल्ट डीसी से स्टार्ट करेगा, 425 वोल्ट तक इस ये काम करता रहेगा, लेकिन रेंज इसकी 500 वोल्ट डीसी है, जो इसको हम 500 वोल्ट डीसी तक दे सकते हैं मैक्सिमम, यानी हम 330 वोल्ट की 11 प्लेटों हम इसको स्विंग बना के दे सकते हैं। ठीक हो गया, यूटिलिटी इंटरफेस इसमें लिखा हुआ है, इंटरेक्टिव लोड एसी आउटपुट वोल्टेज 230 वोल्ट देगा ये, आउटपुट फ्रिक्वेंसी 50, मैक्सिमम पावर 5.5 किलोवाट, रेटेड पावर 5 किलोवाट, पावर फैक्टर 0.8 to 0.8 लैगिंग। ठीक हो गया, पावर फैक्टर 0.8 यानी इट्स मीन के 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.8 ये हो जाता है 4.2 किलोवाट। वेल करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बैटरी डिस्चार्ज वोल्टेज 40 से 60, ठीक है। बैटरी डिस्चार्ज करंट 120 एम्पियर मैक्सिमम, स्टैंड अलोन 5 किलोवाट, 35 एसी मैक्सिमम, कंटिन्यूस एसी पास थ्रू, ठीक है। पीक आउटपुट पावर 10,000 फॉर 10 सेकंड्स, ठीक है, ये भी अच्छा दिया इन्होंने। वेल गाइज, अब इसको इंस्टॉल करके देखेंगे, सीरियल नंबर इस पर मैंशन नहीं है, क्यों नहीं है ये तो नहीं मालूम, लेकिन बाहर इसके ऊपर सीरियल नंबर मैंशन नहीं है। अच्छा, ये इसके नीचे से कनेक्शंस हैं, ये RS232 केबल यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, हमारा वाईफाई रोटर इस पर कनेक्ट हो जाएगा, और उसके ऊपर ग्रिड के कनेक्शन हैं, साथ में लोड के हैं, और उसके साथ जनरेटर के कनेक्शन हैं, COM3 COM2 के कनेक्शन हैं, ये हम देखेंगे। PV इसमें दो ही हैं, PV1 और PV2 शोर। अच्छा, PV ऑन ऑफ स्विच इसमें दिया हुआ है नीचे, वेल गाइस। अब इसको लगाने के बाद इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, हम इस पर लगाएंगे इंशाल्लाह लॉन्जी 435 वॉट्स के पैनल, हम लगाएंगे 16 पैनल लगाएंगे, 8-8 की सीरीज़ करेंगे, स्ट्रक्चर हमारा रेडी है, और इसको इंशाल्लाह हम कल ऑन करने की कोशिश करेंगे। वेल गाइस, ये इसका फर्स्ट नेटवर्क हम यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हमने इसकी छोटी सी वीडियो बनाई है, और जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बार पे लाजमी क्लिक करें बेल पर, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें नोटिफिकेशन बार में। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।